रियान पराग लगातार इम्प्रेस तो कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस से, लेकिन एक डिपार्टमेंट अभी भी ऐसा है जो जहां पर अभी रियान पराग का डब्बा पूरी तरीके से गुल नजर आ रहा है। कौन सा वो डिपार्टमेंट है, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेशन स्पोर्ट्स में। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा पांडे। इंडिया और श्रीलंका के बीच में 3 मैचेस की T20 सीरीज का आगाज हो चुका है। पहला मुकाबला 43 रन के बड़े मार्जिन से टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ जीत गई थी। दूसरे मुकाबले में भी DLS मेथड के थ्रू ओवर्स की कटौती की गई, बारिश आ गई थी बीच में, जिस वजह से टीम इंडिया 7 विकेट से मुकाबला भी जीत गई। अब टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा मुकाबला 30 जुलाई को खेला जाएगा, जो एक डेड रबर मुकाबला साबित होगा, क्योंकि ऑलरेडी टीम इंडिया जो है सीरीज जीत गई है। बस खाली साख की लड़ाई टीम इंडिया लड़ेगी और टीम इंडिया नहीं श्रीलंका लड़ेगी साख की लड़ाई, और टीम इंडिया क्लीन स्वीप करने के लिए यानी सुपड़ा साफ करने के लिए मैदान पर उतरेगी। अब बात करते हैं रियान पराग की। रियान पराग ने पहले मुकाबले में यानी पहले T20 मैच में श्रीलंका के खिलाफ जबरदस्त परफॉर्म किया था। गेंदबाजी में 1.2 के ओवर में उन्होंने सिर्फ 5 रन लुटाए और 3 बड़े विकेट भी चटकाए। उनको सूर्यकुमार यादव ने 17वां ओवर दिया था, 17वें ओवर में उन्होंने सिर्फ 5 रन लुटाए और 1 विकेट उस ओवर में चटकाया। बैक टू बैक फिर उन्होंने 2 विकेट चटकाए। आप सोचिए 3 विकेट उन्होंने अपने छोटे से स्पेल में चटका लिए थे। तो रियान पराग ने विद द बॉल बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करा है, जबकि उनसे उम्मीदें बल्लेबाजी की थी कि भाई शायद ये बल्लेबाजी में भी इम्प्रेस करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा IPL 2024 में लगातार रियान पराग बल्ले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए लग रहा था कि यहाँ पे भी बल्ले से इम्प्रेस करेंगे। लेकिन अपना काम कर गए, क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी इस तरीके की गेंदबाजी हमने रियान पराग की तरफ से देखी है। जब वो मिडिल ओवर में आकर स्पिन गेंदबाजी इस तरीके से करते हैं कि चकमा दे देते हैं सामने वाली टीम को, सामने वाले बल्लेबाज को, और यही करके दिखाया रियान पराग ने। लेकिन बल्ले से क्या कमाल, क्या एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो जहां पर उनकी उनका जो डब्बा है पूरी तरीके से गुल है, वो डिपार्टमेंट है बल्ले से, यानी बैटिंग से कुछ कमाल नहीं कर पा रहे। दरअसल पहले T20 मैच में रियान पराग ने 6 गेंदों में सिर्फ 7 रन बनाए और अपना विकेट जो है फेंक के चले गए थे। जब रियान पराग की बैटिंग से सबको काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, तो रियान पराग ने बहुत ज़्यादा निराश करा, हताश किया। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि रियान पराग को अब दोनों डिपार्टमेंट में चलना पड़ेगा, क्योंकि पराग को टीम में इसे रखा गया है ताकि वो बैटिंग से भी कमाल करे, बॉलिंग से भी कमाल करे। अदरवाइज अगर एक प्रॉपर बॉलर ही लेना होता तो किसी और को ले लेते, या अगर प्रॉपर एक बैटर ही लेना होता तो किसी और को ले लेते। अगर रियान पराग को टीम में रखा गया है, वो इसलिए रखा गया है कि फिनिश भी करेंगे, मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, साथ साथ मिडिल ओवर्स में आके गेंदबाजी करके विकेट भी चटका सकते हैं, वो एबिलिटी है उनमें। तो बैटिंग से भी रियान पराग को कमाल करना पड़ेगा। बहरहाल अगर दूसरे T20 मैच की बात करें तो यहाँ पर पराग की बल्लेबाजी नहीं आई, बैटिंग उनकी नहीं आई, गेंदबाजी में भी बहुत ही ज़्यादा महंगे साबित हुए। 4 ओवर में 30 रन लुटाकर 1 भी विकेट उनके खाते में नहीं देखने को मिला, साथ साथ खर्चीले बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा महंगी उनकी इकोनॉमी रही। तो रियान पराग को दोनों डिपार्टमेंट में चलना पड़ेगा अगर तीसरे T20 मैच में अपनी जगह बनानी है। तीसरे T20 मैच में देखते हैं कि रियान पराग को मौका मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि शायद उनको मौका मिले। लगातार टीम उनको बैक कर रही है, जिस तरीके से सूर्या या गंभीर का एटीट्यूड है पराग की तरफ, वो लग रहा है कि शायद पराग को एक और चांस दिया जाएगा, क्योंकि ODIs में पराग का चांस बनना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। जब KL राहुल आ जाएंगे, जब श्रेयस अय्यर आ जाएंगे, रोहित आ जाएंगे, विराट आ जाएंगे, उस टाइम पे पराग की जगह थोड़ी सी मुश्किल नजर आ रही है। तो इसलिए T20 में जितना मौका पराग को मिल सकता है उतना मिल जाएगा। आप कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है कि अगर तीसरे T20 मैच में पराग को मौका मिलता है तो क्या दोनों डिपार्टमेंट में कमाल कर पाएंगे, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी, या फिर एक डिपार्टमेंट में अभी भी फेल हो जाएंगे। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए।